नमस्कार, ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है। 2019 के इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे पार्टियों में घमासान शुरू होता जा रहा है। वैसे ही एक घमासान बहुजन समाज पार्टी में हो रहा है। अभी कुछ ही टाइम पहले बहुजन समाज के उपाध्यक्ष श्री जयप्रकाश जी को उनके विवादित बयान की वजह से बहन कुमारी मायावती ने बहुजन समाज की पार्टी से अलग निष्कासित कर दिया था। बहन कुमारी मायावती ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। उसके बाद भी वो बहुजन समाज के लिए निरंतर कार्य करते रहे। उसके बाद उन्होंने भीम आर्मी को ज्वाइन किया और भीम आर्मी में भी उन्होंने बहुजन समाज की बहन कुमारी मायावती को ही अपना नेता माना और उनको जो उन्होंने कहा वो आपके सामने है। अपनी बात को आपके बीच में रखने से पहले इस दुनिया में जितने लोगों ने भी मानवता के कल्याण के लिए काम किया, बुद्ध, फूले, साहू, बाबा साहब, साहब काशीराम और ऐसे रविदास, कबीरदास जैसे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए और जो अभी हमारे लिए काम कर रही हैं उनके लिए भी नमन करते हुए मेरा उनसे कोई गुरेज नहीं है। और मंच पे विराजमान सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे हुए भीम आर्मी के बाबा साहब के सभी सिपाहियों, आप सभी को जय प्रकाश अपनी तरफ से जय भीम का उद्घोष करता है। आप लोगों ने मुझको यूट्यूब के माध्यम से सुना होगा, सारी घटना आपने जानी होगी, लेकिन ये भीम का सिपाही ये वचन देता है कभी मिशन को पीछे नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझको गोली अपने सीने पे खानी पड़े। कभी मिशन के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। तमाम पार्टी के लोगों ने मुझे ऑफर दिया, हम तुम्हें ये कर देंगे, लेकिन मुझे पता है किसी भी प्रकार से हमारी नेता ने हमारी भीम आर्मी के लिए कुछ भी कहा हो वो उनका विवेक है, लेकिन मैं जानता हूं चंद्रशेखर भीम का सिपाही है, कभी भी बाबा साहब के आंदोलन को धोखा नहीं दे सकता। मेरे समाज के लोगों, मैं कहना चाहता हूं इस देश में बाबा साहब के आंदोलन के लिए काम करना कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। मुझको बताया है, मुझको जानकारी मिली है, यहीं पर इन लोगों ने संविधान चलाने का काम किया था। आज आप लोगों ने बताने का काम किया है, आपने यहाँ पे अपनी प्रति देने का काम किया है संविधान की। मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये चालाक किस्म के लोग इस संविधान को बदलने की फिराक में घूम रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ बाबा साहब के सिपाहियों, इस आंदोलन में काम करना कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। बाबा साहब के आंदोलन में काम करने का मतलब है दहकते हुए अंगारों पे चलने के समान है। बाबा साहब के आंदोलन में काम करना नंगे पैरों को नंगे पैरों से राम देने के समान है। बाबा साहब के आंदोलन में काम करना इस नदी को उल्टा पहाड़ पे चढ़ा देने के समान है। बाबा साहब के आंदोलन में काम करना और दुश्मन को ललकारना है। क्या है देश के चालाक किस्म के लोगों, हमने तुम्हारे सारे वेद पढ़ के देखे, मनुस्मृति पढ़ के देखी, रामायण गीता महाभारत सारी पढ़ के देखी और पढ़ने के बाद पता चला कि सारे के सारे खोखले हैं। अगर यकीन नहीं आता तो तराजू के एक पक्ष पे अपने सारे ग्रंथ करके देख ले और तराजू के दूसरे पल्ले पे मेरे बाबा साहब का केला एक संविधान करके देख। आपको कहना होगा जब इस देश के अंदर राम राम बालक की सरकार बन सकती है, हमें कोई परहेज नहीं है, हम कुछ नहीं कहते उसके बारे में, राधे राधे वालों की बन सकती है, कृष्णा कृष्णा वालों की बन सकती है, तो इस देश के अंदर जय भीम वालों की सरकार भी बन सकती है। इसके बावजूद भी श्री जयप्रकाश जी का कारवा बिल्कुल नहीं रुका। उन्होंने लगातार बहुजन समाज को संगठनों को जोड़ने के कार्य करा और उन्होंने एक बहुजन यूथ मिशन के नाम से एक संगठन तैयार करा और उस संगठन से एक उन्होंने रथ यात्रा निकालने का सोचा, जिसमें बहन कुमारी मायावती, मान्यवर श्री काशीराम, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एक ये रथ निकाला कि ये रथ पूरे देश में भ्रमण करेगा और समाज के सभी लोगों को जोड़ने का काम करेगा। और आप लोगों को इधर बुलाने का जो कारण है उसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। और उस मेरे साथ में इधर मेरे राइट हैंड साइड में
अनिल सागर भाई इधर बैठे हुए हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के महासचिव रहे हैं दिल्ली के, और मेरा परिचय अधिकांश लोगों को है। मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व में भी कुछ दिन पहले तक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रहा, और इधर आपको बुलाने की जो कारण है उसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। हम लोग 28 अक्टूबर को दिल्ली में जो अम्बेडकर भवन है वहाँ से हम लोग एक जो हमने पीछे बैनर भी लगाया है देशव्यापी संकल्प रथ मार्च, ये हम लेकर के दिल्ली से अम्बेडकर भवन से चलेंगे, और इसको हम पूरे देश में इसके माध्यम से इस रथ के माध्यम से हम पूरे देश में बहन जी का प्रचार करेंगे, जिसका हमने नाम दिया है जो पीछे लिखित भी है हमारे बैनर पे, बहुजन यूथ फॉर मिशन 2019 नेक्स्ट पीएम बहन जी। ये नाम क्यों रखा गया, ये नाम हमने चर्चा करी इस विषय पे हमारे सभी साथियों ने, तो कोई कह रहा था इसको बहुजन यूथ फॉर डेमोक्रेसी रखा जाए, बहुजन यूथ फॉर बहन जी रखा जाए, बहुजन यूथ फॉर काशीराम रखा जाए, लेकिन हमने इसको बाद में कंक्लूड किया। उसकी वजह ये है कि 2019 जो मिशन है ये एक डेट निश्चित है, इसको उस डेट से आगे नहीं चलाया जा सकता। हम लोगों ने इसको मिशन 2019 इसलिए रखा है, जैसे ही 2019 का लोकसभा का चुनाव समाप्त होगा उस समय ये बैनर ये नाम ऑटोमेटिक डिजॉल्व हो जाएगा, और उसका जो कंसीडरेशन है उसका जो प्रतिफल है वो नेक्स्ट पीएम बहन जी है। तो इसी बात को लेकर के हम पूरे देश में जाएंगे और पूरे देश के सभी समाज के लोगों से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज गरीब समाज के लोगों से सभी से ये निवेदन करेंगे कि आप लोगों ने बार बार दोनों पार्टियों को देखा है, तमाम नेताओं को आपने देखा है, एक बार आपको बहन जी को भी मौका देना चाहिए। तो बहन जी को पीएम बनाने के लिए हम लोग ये रथ मार्च निकाल रहे हैं, इसमें हमारे सागर साहब हमारे इधर सहयोगी हैं और भी काफ़ी लोग सहयोगी हैं, तो ये हमारा उद्देश्य है, इसलिए हमने आप लोगों को बुलाया है, जिससे कि कोई क्वेरीज आपके दिमाग में, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में वही क्वेरीज निकलेंगी जो आम जनमानस के दिमाग में निकलती हैं, तो जब आप उन क्वेरीज को मेरे सामने रख देंगे क्वेश्चन के रूप में, तो फिर हम लोग उनको यहीं पर अभी सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे, और फिर आपकी ये क्लिप जब जाएगी देश में तो जो आम जनमानस सोच रहा होगा कि कहीं ऐसा तो ना हो कि जयप्रकाश या उनके साथी कोई अपना संगठन बना रहे हैं, तो ये जो कन्फ्यूजन है उनका दूर हो जाएगा। बहुजन यूथ मिशन, इसको मिशन को बनाने का जयप्रकाश जी का ये सिर्फ एक ही था कि बहुजन के यूथ को जोड़ा जाए, पूरे देश से सारे युवाओं को जोड़ा जाए, क्योंकि जयप्रकाश जी बहुजन समाज के युवाओं में अपनी बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। 28 तारीख को इस रथ को सुबह 10 बजे निकलना था, और जैसे निकलना था तो मंच के सभी लोग वहाँ पर उपस्थित थे जिन्होंने झंडी देनी थी हरे रंग की और उसको रवाना करना था, लेकिन देखते ही देखते कार्यक्रम में परिवर्तन हो गया और जयप्रकाश जी ने अपना स्टेटमेंट दिया कि किसी कारणवश इस रथ को रोका जा रहा है। जो उन्होंने स्टेटमेंट कहा वो ये है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना हमारे शीर्ष नेता जी की तरफ से आई है, देश की नेता माननीय बहन जी जो कर रही हैं उनको भी मैं नमन करता हूं। साथियों, काफी जानकारी आपको थी इस प्रोग्राम के बारे में, लेकिन अभी मैं आप लोगों के सामने माफी के रूप में बात रखूंगा और आप लोगों से माफी मांगते हुए मैं आपको एक जो आदेश आया है ऊपर से मैं उसको आपके बीच में डिलीवर करना चाहता हूं। अभी ये आदेश आया है कि आप लोगों को ये रोकना पड़ेगा। तुरंत बाद ही जयप्रकाश जी ने इस रथ यात्रा को रोकने का आदेश दिया और कहा कि हमारे माननीय नेताओं का आदेश है कि अभी हम इसको ना चलाएं, और इस स्टेटमेंट से वहां के सभी उपस्थित लोगों को इस बात से चौंका दिया कि ये आखिर हुआ क्या, लेकिन जो माननीय बड़े नेताओं का आदेश था वो उन्होंने मानना था, तो उसके बाद वो वहां से चले गए। लेकिन देखते देखते शाम तक ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि जयप्रकाश जी पे धोखाधड़ी
पैसे खाने का जैसे बहुत सारे संगीन आरोप हैं, जिसमें 400 बीसी वगैरह जैसे बहुत सारे आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं, और आसपास दिल्ली गाजियाबाद जैसे जगहों से उनको 4 FIR दर्ज हुई हैं। जब हमारी SMNews टीम ने उन्होंने जैसे बात करी तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि मेरे ऊपर बिल्कुल 4 जगह से FIR हुई हैं और मैं गाजियाबाद अपनी स्वच्छता से देना जा रहा हूँ, जिसमें मुझ पर किसी पर कोई भी मानसिक तरीके का दबाव नहीं है। लेकिन हम2019 के इलेक्शन है और जयप्रकाश जी की भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज को आवश्यकता जरूर पड़ेगी, क्योंकि युवा वर्ग भी उनसे बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये था बहुजन संकल्प यात्रा का रथ का असली सच जो आज हमने आपके सामने दिया है।